तो आइए ऐसे फकीर को एक फकीराना अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। हद तपे सोलिया के बेहद तपे चो हद तपे जोलिया के बेहद तपे चो पी हद वन हद दो तपे हद वन हद दो तपे हद वन हद दो तपे यार फकीर मन लागो मेरो यार फकीर यार फकीर भजन रे सो सुख नाही अमीरी में जो सुख पाऊं राम भजन रे सो सुख नाही अमीरी में गरीबी में कर गुजरान
गरीबी गरीबी मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी से मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो लागो मेरो लागो मेरो लागो मेरो लागो 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 मन लागो मेरो यार फकीरी आखिर ये तन साथ मिलेगा काहे फिरत मजबूरी में आखिर ये तन साथ मिलेगा काहे फिरत मजबूरी में कहत कबीर सुनो भाई साधु आप अक्सर देखते हैं ये लाइन कहत कबीर इसका क्या मतलब कोई तो कारण होगा ना कोई तो मतलब होगा ना अब जैसे देखिएगा आप क्लास में हैं और लेक्चरर पढ़ा रहे हैं आपको सुनोगे तब तो नोट्स बनाओगे ना और अच्छे नोट्स बनाओगे तब अच्छी तैयारी होगी और अच्छी तैयारी होगी तब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और जब एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तब अच्छा रिजल्ट आएगा और अगर आपने सुना ही नहीं है तो क्या नोट्स बनाएंगे और क्या एग्जाम में आप अच्छा लिखेंगे नमस्ते हो जाएंगे ना क्या ख्याल है बस यही फंडा है सुनोगे तो साधोगे सुनोगे तो साधोगे और साधोगे तो साधु कहलाओगे तो कुछ छोटी छोटी साधने वाली बातें तो कबीर साहब का पूरा वचन जो वाणी है सारे के सारे जीवन में है लेकिन कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं साहेब का घर दूर है कि जैसे पेड़ खजूर है साहेब का घर दूर है कि जैसे पेड़ खजूर साहेब का घर साहेब का घर दूर है के जैसे पेड़ खजूर चढ़ो तो चाखा प्रेम रस चढ़ा तो चाखा प्रेम रस चढ़ो तो चाखा प्रेम रस और गिरा तो जगना चूर साधो रे साधो रे साधो साधो रे साधो रे साधो रे साधो कमारे लाठी से तो मूर्खान फूट जाए हो मूर्ख मारे लाठी से तो मूर्खान फूट जाए मूर्ख मारे
लाठी से तो मुड़का न फूट जाए, मूर्ख मारे लाठी से तो मुड़का न फूट जाए। ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग फिर जाए। देखिए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हमारे यहाँ जितने बैठे हैं हम सबके अंदर एटम बम से भी भारी चीज है। मैं यहाँ परीक्षण करके बताऊंगा अभी आपको। यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ से लेकर के आखिरी तक जितने लोग हैं, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र आग्रह है कि एक बार भारती बंधु के लिए प्यार से जोरदार ताली हो जाए। देखिए मैंने आपसे निवेदन किया, प्रार्थना किया, आग्रह किया, अनुविनय किया, तो आपने हमारे लिए ताली बजाई। और अगर मैं कहूंगा ए भारतीय बंधु के लिए ताली बजाइए, तो बोले तेरे बाप के नौकर लिए ताली बजाएंगे, है ना। ये भाषा, ये जबान, ये वाणी, इसको कैसे साधना है, ये सबसे खतरनाक काम है। ये इसको कैसे साधने की बात करी है कबीर साहब ने। मैं बार बार आपको शुरू से यही कह रहा हूं कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएं, आपकी जबान में मीठापन होना चाहिए, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं इतने टाइट शेड्यूल में हूं, इतनी व्यस्तता के बाद में भी मनीष का फोन आया तो मनीष की बात को मैं काट नहीं सका। ये संबंध है, ये व्यवहार है। कोई दूसरा जगह होता तो मेरा जाना मुश्किल था, लेकिन मनीष बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत प्रेमी हैं और हमारा बहुत पुराना संबंध है। आपने कही मैं आपके सेवा में हाजिर हो गया, तो ये शब्द को कैसा संभालना है, ये कबीर साहब कैसे संभालने की बात कर रहे हैं। शब्द संभारी के बोलिए के शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संभारी के बोलिए के शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संभारी के बोलिए के शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द सभी करे, एक शब्द सभी करे, एक शब्द सभी करे, और एक शब्द करे कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि शब्द संभारी के बोलिए है, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे खाओ। अब यही बात को रहीम साहब कैसे कह रहे हैं, यही बात सेम यही है, यही लगो रह गया। रहीम साहब कैसे कह रहे हैं, जीवा है बड़ बावरी, जीवा है बड़ बावरी कह गई आकाश पताल, जीवा है बड़ बावरी कह गई आकाश पताल, कह के भीतर चली गई। जीवा है बड़ बावरी कह गई आकाश पताल, कह के भीतर चली गई और जूती खात कपाल। कबीर साहब से प्रभावित होकर के हमारे रायपुर के एक बहुत बड़े उस्ताद शायर रजा हैदरी मरहूम साहब फरमाते हैं,
क्या देखता है किस्मत हाथों की लकीरों में, क्या देखता है किस्मत हाथों की लकीरों में, क्या देखता है किस्मत हाथों की लकीरों में, टुकड़ा दे जमाने को, टुकड़ा दे जमाने को, टुकड़ा दे जमाने को, आ बैठ फकीरों में, ओ सारे सारो रे सारो सारो रे सारो रे सारो सारो रे सारो रे सारो सारो रे सारो। कहत कबीरा सुनो भाई सारो, कहत कबीरा सुनो भाई सारो, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबूरी में, सबूरी में मल्ला गो मेरो मल्ला गो मेरो यार फकीर यार फकीर हाँ यार फकीर हो यार फकीर मल्ला गो मेरो यार फकीर यार मन लागो मेरो यार 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 यार मन लागो मेरो मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार। 600 स्टूडेंट बैठे हैं और ताली की आवाज ही नहीं आ रही है। मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार 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 मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार। नीरज जी जिसका यार नहीं है वो बेकार है। मेरा यार है, इनका यार है, इनका यार है, इनका यार है। अब देखिए एक शब्द कहा मैंने कि जिनका यार नहीं वो बेकार, तो सारे बेकार चिल्लाने लग गए। मैं वर्षों से खोज रहा हूं मेरे यार को, वो कभी कभी एकाध झलक दिखाता और गायब हो जाता है कभी कभी। हमारे देश के एक बहुत बड़े सूफी शायर हैं बेदम वारसी साहब, वो कहते हैं बहिष्ट मतलब जन्नत स्वर्ग, बहिष्ट में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, बहिष्ट में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकामे यार नहीं। यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो हमन है इश्क मस्ताना हमन को इकरारी क्या हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार यार मन लागो मेरो यार
इतना हसीन कोई खुदा की कसम नहीं। ये पूरा सूफी सुना रहा हूं मैं, एक भी शेर एक भी लाइन उटपुटांग नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने जीवन में सिर्फ यही कमाया है और मुझे यही चाहिए, दूसरी चीज नहीं चाहिए। इतना हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, इतना हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, जैसा मेरा सनम है किसी का सनम नहीं। मन लागे मेरो यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार। कभी ओबिया मेरी आंख में के मेरी नजर को खबर ना हो, कभी ओबिया कभी कभी यूं दिया मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे फिर उसके बाद सहर न हो। मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो। देख रहे हो लोगों को ये, और मेरे को देख लो। एक बार मैं ऐसा करता हूं कि पंचर हो जाते हैं, जोरदार। क्या नजर करो तुमको क्या चीज हमारी है, क्या नजर करो तुमको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो। हाँ हाँ, नक्शा तेरा दिलकश है, लगता है कि रोज उनके साथ बैठते हैं ये। इतना आसान नहीं है बाबू ये इश्क, नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन अच्छा लगा कि आपके यहाँ मोहब्बत भी पढ़ाई जाती है। नक्शा तेरा दिलकश है और सूरत तेरी प्यारी है, नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुझे देखा सौ जान से वारी है। मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार। नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुझे देखा सौ जान से वारी है। और साहब ये पाटलिपुत्र है, ये इसका इतिहास बहुत तगड़ा है, तो एक इत्तेहाद पर एक बात कहना चाहूंगा, हिंदी भी हमारी है और उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है और उर्दू भी हमारी है, एक खालिदा खानम है और एक राजकुमारी है। मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार। एक आखिरी शेर कहना चाहूंगा, बेवफा से भी प्यार होता है, अच्छा लग रहा है सारे आशिक इकट्ठे हो गए हैं। बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, लागो मे। लेकिन आज के आशिकों के लिए एक एक हिदायत दे कर जाना चाहूंगा, बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना, बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना, देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला। मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो मेरो यार यार, मन लागो।
मेरे लागो 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 म